छोटी हूं, मैं सबसे छोटी हूं तेरी को पहले होते थे, मां मैं छोटी रहना चाहती हूँ और कहा बिस्तर में नहीं तेरी गोदी में सोना चाहती हूँ, गोद माँ की गोद। ठीक है, हर छोटे बच्चे को पसंद होते हैं और वो कहती है मैं तेरी गोदी के अंदर सोना चाहती हूँ। ठीक है, ये बच्ची की इच्छा है, छोटी लड़की की चाह है कि मैं अपनी माँ की गोदी में सोना चाहती हूँ, इसलिए मैं छोटी रहना चाहती हूँ। तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर, अंचल यानी दुपट्टा, ठीक है, माँ का जो दुपट्टा होता है ओढ़नी होती है वो, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिर सलामत तेरे शादी। बच्ची की ये चाह है, माँ मैं छोटी हो रहेगी तो मैं तेरा अंचल पकड़ कर, तेरा दुपट्टा पकड़ कर, छोटे बच्चे के अभी माँ का दुपट्टा पकड़ के पीछे पीछे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लड़की भी जो है कहती है कि हे माँ मैं छोटी रहना चाहती हूँ और तेरा अंचल यानी दुपट्टा पकड़ कर हमेशा तेरे साथ साथ घूमना चाहती हूँ। छोटे बच्चों को अक्सर ये आदत होती है कि माँ का पल्लू पकड़ कर घर के अंदर बाहर आंगन में या सोसाइटी में या मार्केट में कहीं भी हो तो वहां पे पकड़कर चलना चाहिए। देखिए, कभी न छोड़ू तेरा हाथ, कभी मैं तेरा हाथ छोड़ना नहीं चाहती। वो अपनी माँ की गोदी को पकड़कर उसके साथ चलना चाहती, वो अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहती। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे छोड़ती है माँ, लड़की के लिए माँ मैं इसलिए बड़ी होना नहीं चाहती कि जब बड़े हम बन जाते हैं तो तेरा प्यार हमसे हमारे लिए कम हो जाता है, क्योंकि दूसरे भी छोटे भाई बहन होते हैं तो माँ के ऊपर ज्यादा ध्यान देती है, ये बड़ी हो गई है समझदार है तो फिर उसे ठीक है बहुत ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि सारी बातें सारा काम कर लेगा ये सोचकर। तो लड़की के लिए कहे माँ जब हम बड़े हो जाते हैं तो तेरा प्यार जो है कम हो जाता है, तो हमसे दूर हो जाती है, फिर तो हमसे इतनी यानी कि मोहब्बत नहीं रखती है। देखिए, तू पीछे चलती है माँ, माँ यानी माता की माँ, तू पीछे हमें धोखा देती है। हालांकि माँ किसी को धोखा नहीं देती अपने बेटों को बच्चों को, लेकिन वो क्या है कि दूसरे छोटे बच्चों के ऊपर ज्यादा ध्यान देती है और ये समझदार हो जाती है तो फिर उसे उसके ऊपर डिपेंड करना सिखाती है। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिखता। आगे लड़की कहती है कि हे माँ जब हम बड़े हो जाते तो फिर तू ना हमारा हाथ पकड़ती है, ठीक है, ना हमारी उंगली पकड़ती है और वो फिर हमारे साथ फिरने नहीं आती, घूमने नहीं आती। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिखता, फिर तो हमें दिन रात हमारी देखभाल, हालांकि वो तो देखती ही रहती है, आप पर नजर रहती है उसकी, लेकिन लड़की कहती है कि मैं जब छोटी होती हूँ तो थोड़ी थोड़ी देर में वो हमारा ध्यान रखती है। अगर हम बीमार है या बुखार है, ठीक है, क्या हमारी तबियत ठीक नहीं है या कुछ और प्रॉब्लम है तो बार बार थोड़ी थोड़ी देर में हमारी देखभाल करती है। क्या हुआ बेटा, तूने खाना खाया, ठीक है, क्या हुआ तुझे बुखार है, तुझे ये चीज खानी है, तुझे यहाँ पे जाना है, ठीक है, चलो मैं तुझे घुमा के लाती हूँ, चलो मैं तेरे साथ बाजार आती हूँ, चलो मैं तुझे आइसक्रीम खिलाती हूँ, चलो मैं तुझे खिलौने ले लेती हूँ। ये सारी बातें जब छोटी बच्ची होती है तो उसे माँ ये सारी बातें कहती है और करती है, इसलिए लड़की कहती है कि साथ नहीं फिरती दिन रात अपने घर से खिला धुला मुख। आगे लड़की कहती अपने घर यानी अपने हाथ से खिला धुला मुख, हे माँ तू तेरे हाथों से हमें खाना खिलाती है छोटे होते हैं, ठीक है, तेरे हाथों से हमारा मुंह धुलाती है। जब हम छोटे होते हैं तो उस वक्त आंगन में खेलते हैं तो वहां पे क्या है कि हम गंदे होते हैं, हमारा मुख या
क्या करेंगे जल्दी जल्दी हमारे कपड़े निकालेगी, चेंज करवाएगी और फिर हमारा मुंह है वो अच्छे से धुलाएगी, साफ करेगी, ठीक है। और मुख धोकर या लेके मुंह को धोना और फिर उसे अच्छे से साफ करके सज्जित कर शरीर और सज्जित जल संवार फिर कपड़े चेंज कराएगी, अच्छे से पाउडर है वगैरह हमारे मुंह पर लगाएगी, साफ कराएगी, ठीक है। हेयर जो है हमारे वो ठीक कर देगी, बाल हमारे अच्छे से बना देगी और अच्छे से संवार कर सजा कर कंप्लीट करके वो तैयार करेगी कि जाओ बेटा खेलो, अब गंदे मत हो, ऐसा कहकर वो हमारे साथ, ठीक है। धूल पोछ से चीन कर का हमारे खिलौने नहीं सुनाती, हमें सुखद परियोग की बात, लड़की इसलिए बड़ी बनानी चाहती कि फिर तो हमें सजाना संवारना नहीं है, क्योंकि वो समझदार हो जाती है, बड़ी हो जाती है लड़की तो उसे खुद करना होता है कि बेटा तू अपने आप से बाल बना लो, छोटी बना लो, ठीक है, ये सब खुद करना होता है। हमारे खिलौने नहीं सुनाती कि खिलौने नहीं देती, लो बेटा ये खेलो, ठीक है, ये ढोल है, ये बर्तन है, ऐसा कुछ कुछ ही नहीं, अरे तू समझ जा, तुझे खुद अब ये पढ़ाई करनी है, ऐसा कह के वो खिलौने नहीं थे। और फिर जब छोटे होते हैं तो सुखद परियों की बात, यानी जब हम छोटे होते हैं तो हमारी माँ हमें अच्छी अच्छी परियों की, ठीक है, कहानियां सुनाती है और दादा दादी की, नाना नानी की, पुराने लोगों की, ठीक है, प्राणियों की, एनिमल्स की, बर्ड्स की, ऐसी छोटी छोटी कहानियां सुनाती है और हमें खुश कर देती है और उसकी कहानियां सुनते सुनते हम सो जाते हैं, हमें बहुत मजा आता है उसमें। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो लड़की कहती है कि हे माँ तू हमें परियों की बात नहीं सुनाती, तू हमारे साथ नहीं सोती, ठीक है, तू हमें खिलौने नहीं देती, तू हमें नहीं संवारती, इसलिए लड़की को लिखना नहीं चाहती। आगे वो कह रहे ऐसी बड़ी न होऊंगी, इसलिए लड़की कहते हैं माँ इसलिए मैं बड़ी न हो जाऊं, तेरा स्नेह न कहूंगी, स्नेह यानी प्रेम, माँ का प्रेम, माँ का स्नेह, माँ का प्यार, वो कहते हैं माँ मैं इतनी जल्दी बड़ी नहीं हो जाना चाहती कि जिससे ये तेरा प्यार है, मैं छोटी हूं और जो प्यार तू मुझे दे रही है ऐसा प्यार तेरा खो न दूं, ऐसा प्यार जो है खो न दूं, इसलिए तेरा प्यार में गान इसलिए मैं बड़ी होना नहीं चाहती, तेरे अंचल की छाया तेरे दुपट की छाया में छिपी रहूं निष्प्रो निर्भय, हे मां मैं तेरे दुपट्टे की छाया में छुपी रहना चाहती हूँ, छुपी रहना चाहती हूँ, क्योंकि छुपी रहेगी तभी दुपट्टा उसके एक पर डालेगी माँ और उसे धूप से वगैरह से बचाएगी, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रो निर्भय, निर्भय यानी बिना डर के, निष्प्रो बिना डर के, बिना झिझक के, माँ को बच्चे के लिए मैं छोटी हूँ, तो क्या कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो डरते रहते हैं, कोई अनजान आदमी को देखते हैं तो उन्हें डर लगता है, कोई ऐसी चीज देखते हैं तो घबराते रहते हैं, लेकिन जब उसकी माँ मिल जाती है उसके पास होती है तो किसी से नहीं डरते, क्योंकि वो अपनी माँ को देखते हैं कि मेरी माँ मेरे साथ है, मेरी माँ मेरा सपोर्ट करेगी, कि मेरी हेल्प करेगी, मेरी मदद करेगी, मुझे नहीं डरना चाहिए, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसलिए लड़की के लिए इन्हें हमेशा तेरे अंचल की छाया में छुपी रहूं जिससे मेरा डर, मेरा जो एक प्रकार का भाव यानी कि भय है वो दूर हो जाएगा और माँ के पास रहने से ये सारी चीजें दूर होती है और मेरे भय विदास तब हो कह सकती कबू दिखा दे चंद्रोदय, ठीक है, एक है माँ आखिरी इच्छा थी कि माँ से चंद्रोदय, चंद्र यानी चांद, उदय यानी उठना, चांद का उगना, हम संधि में पढ़ चुके थे तो चंद्र प्लस उदय चंद्र उदय चांद का उगना, ठीक है, तो लड़की जो है कह रही है कहू दिखा दे चंद्रोदय, हे मां मुझे चांद उगता हुआ
बंद हो जाता है। तो यहाँ पे राइटर ने एक छोटी बच्ची की इच्छा प्रस्तुत की है कि वो क्यों छोटी रहना चाहती है, वो पूरा रीजन बताया है कि उसको खिलौने खेलने को मिलते हैं, अच्छा अच्छा खाना मिलता है, माँ अपने हाथों से अपने बेटी को खिलाती है, उसकी देखभाल करती है, ठीक है, और उसे अपनी उंगली या अपना पल्लू आंचल दुपट्टा पकड़कर बाजार में घूमने के लिए ले जाती है, आंगन में ले जाती है, घर में घूमती है, ये सारी चीजें उसे छोटे रहने पर मिलती है। लेकिन जब खड़ी हो जाती है तो माँ फिर उनको ठीक है अपने हाथों से खाना भी नहीं खिलाती, अपनी उंगली पकड़कर चल, माँ की उंगली पकड़कर वो बच्चा चल नहीं सकता, बड़ा हो चुका है, समझदार हो चुका है, ठीक है, और उसे खिलौने भी नहीं मिलते हैं। अब वो पढ़ाई में, स्कूल में, दूसरे कामों में व्यस्त हो जाता है। तो इसकी वजह से ये लड़की जो है वो बड़ी होना नहीं चाहती, इसलिए वो कहती है कि ऐसी बड़ी न हूं मैं, तेरा स्नेह न हूं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं, निष्क्रूर निर्भय सदा कहूं दिखा दे चंद्रोदय। ऐसा कहके ये लड़की जो है अपनी माँ से अपनी इच्छा प्रकट कर रही है कि ये छोटी रहना चाहती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक नंबर 13 में सबसे छोटी हूँ, इसके अंदर राइटर ने बड़े ही सुंदर ढंग से छोटे बच्चों की मन की इच्छा को प्रस्तुत किया है, ठीक है, और उनकी दिल की क्या चाह है वो भी यहाँ पे हमें समझ में, यानी कि बड़े सुंदर ढंग से हमें समझाया है। तो प्यारे बच्चों, इसे एक दो बार रीड कर लेना। ये पोयम जो है उसकी कुछ पंक्तियां एग्जाम में भी पूछी जाती है कि निम्नलिखित पंक्तियां, काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए, तो आपको